अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक तरफ रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है तो दूसरी तरफ सियासी सरगर्मियाँ भी देखने को मिल रही है और तेज़ भी हो चुकी है। अगर चारों तरफ से कोई समाज निशाने पर है तो वह मुस्लिम समाज है। रामनवमी के जुलूस को लेकर मुल्क के कई शहरों में फसाद बर्पा किया गया और रामनवमी हो गई लेकिन आज भी माहौल में तशद्दुद देखा जा रहा है। कई जगहों पर फिर से फसाद होने की खबर भी हासिल हुई। कब क्या होगा, क्या खबर सुनने को आएगी, कह नहीं सकते। कल के मौजू में हमने इस बात का तस्करा भी किया था कि त्यौहार के वक्त जब भी जुलूस निकलता है तो अकलीती समाज डर खौफ के साए में रहता है। वडोदरा, औरंगाबाद, हावड़ा में तो फसाद हुए ही है, पर अब रामनवमी के बाद भी कुछ जगहों पर हिंदुत्व भीड़ फसाद बर्पा कर रही है। बिहार के नालंदा में मस्जिद, मदरसा और कई मुसलमानों के घरों को नजरियातीश करने की इत्तला हासिल हुई है। मदरसे में 4,500 किताबें थी जो तकरीबन मजहबी किताबें थी, जलकर राख हो गए, यानी कि जला दी गई। तारीख इस्लाम की मुकद्दस किताबों को भी शरपसंदों ने जलाकर राख कर दिया। कुरान मजीद के जले हुए औराक भी पाए जाने की बात कही जा रही। अब रमजान में खासकर इफ्तार के वक्त शरारत करने वाले गिरोह भी सरगर्म होते दिखाई दे रहे। मस्जिदों, मदरसों पर बेखौफ होकर हमले अब फिरका परस्तों की जानिब से किए जा रहे और तमाम फसादात एक ही नहज के पाए जाते हैं। कहानी भी वही पुरानी है कि मस्जिद से पत्थर आए। अब यह कहानी भी फर्जी है, सब जानने लगे। लेकिन एक समाज को कटघरे में खड़ा करने के लिए इस तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है। क्या कोई रमजान में पत्थर फेंक सकता है, सोच भी नहीं सकता। और ये सवाल ही अहमकाना है क्योंकि हमने भी देखा है कि एक दौर कभी हुआ करता था मुसलमान फौरी तौर पर रिएक्ट भी किया करते थे, लेकिन मुसलमानों का बड़ा तबका और खासकर नौजवानों में अब जब तालीमी बेदारी देखी जा रही है, मुसलमान पत्थर फेंकते हैं ये एक नैरेटिव है, एक झूठी कहानी है जो मुसलमानों को लेकर बनाई गई है, पहले भी और आज भी। लिहाजा जब भी फसाद को बर्पा करना होता है मुसलमानों को ही मुजरिमों के कटघरे में खड़ा कर जुलूस में पथराव मस्जिद से ही आए या मुस्लिम इलाके से पत्थर फेंके गए की कहानी सुनाई जाती है और इसी को बुनियाद बनाकर मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपको अक्सर सियासी लीडरों की जानिब से या कुछ नाम निहाद भाजपा हिमायती जो मुसलमानों में आजकल पाए जा रहे हैं कहते हुए देखा जाता है कि भाजपा जीत जाती है तो फसाद क्यों नहीं होते और फसाद नहीं हो रहे। जाहिर है जब फसाद करने वाले ही इख्तदार पर फाइज हो जाते हैं तो फिर फसाद की क्या जरूरत है। फसाद की बुनियाद ही है कि वह सत्ता हासिल करे। अगर राम मंदिर तहरीक से देखा होगा कि मुस्तकिल हिंदू मुस्लिम तशद्दुद भारत में बढ़ता गया। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद इसमें और शिद्दत देखी गई। और वैसे भी सवाल तो जायज है कि फसादात और बम धमाके अब क्यों नहीं हो रहे। हाल ही में फसादात में मुलविस कई नौजवानों को 10 साल या 14 साल के बाद छोड़ दिया गया। इसके कई वाक्य हम पूरे मुल्क की सतह पर देख सकते हैं क्योंकि सत्ता हासिल करने के लिए और नफरत परोसने के लिए ही तो सब कुछ किया जाता रहा है। अब तो मुल्क भर में भगवाधारियों का राज है तो फिर फसाद क्यों कर होंगे। और ये वाकई सोचने की बात है कि बम धमाके नहीं हो रहे तो इसके पीछे की कहानी को भी आप समझ सकते हैं और पुलवामा अटैक जैसे कई जो है कहानियां किसे बनाए गए। अब जब फिर से फसाद की तारीख दोहराई जा रही है तो इसके पीछे भी संघी विचारधारा की साजिश है। पहले के मुकाबले फसादात कम जरूर हुए हैं और अब भी फसाद हो रहे हैं तो इसकी शक्ल भी अलग है। पहले के जैसे खून खराबा या मौतें आपको नजर नहीं आएगी लेकिन मुकदमे आपको सैकड़ों की तादाद में बनाए जाते हुए देखा जाता है। इबादतगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसी रियासतों में किया जा रहा है जहां भाजपा की हुकूमत ना हो ताकि फिर से फसाद के जरिए सत्ता परिवर्तन किया जाए। बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र में देखने को मिला। महाराष्ट्र में शिवसेना, शिंदे और भाजपा की मिलीजुली सरकार है। यह फसाद इसलिए कराए जाते हैं ताकि अगली बार भाजपा पूरी तरह से जीत सके, यानी कि किसी का सहारा या पार्टनरशिप वाली हुकूमत ना हो। एक और तरीका फसाद का यह भी देखा जाता रहा है कि महज मुसलमानों में डर खौफ बाकी रहे इसलिए भाजपा इख्तदार वाली हुकूमत के अंदर भी फसादात को बर्पा किया जाता है। पुलिस के मौजूदगी में मस्जिदों, मदरसे, दरगाहों पर भगवे परचम लहराए जाते रहे, यानी मुसलमानों को चक्की के पाट की तरह दोनों तरफ से पीसने की कोशिश कर सकते हैं। जरूरत है मुसलमानों को बड़े ही संजीदगी से फिरका परस्तों के मुकाबला करने की। अगर आप घर में भी बैठेंगे तो हालात आप पर आएंगे, नहीं तो आपको मजहबी मामलात इस्लामी कवानीन से समझौता करते हुए आगे बढ़ना होगा। पर क्या कोई भी कानून अगर ईमान से टकराने लगे तो इस दौर का मुसलमान क्या कर सकता है। लिहाजा तमाम उलमा, दीनी सियासी रहनुमाओं को बड़ी संजीदगी से फैसले लेने होंगे। आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो सोनीपत का है।
सोनीपत में मस्जिद के पास जुलूस पहुंचता है तो भीड़ पुलिस के सामने मस्जिद में दाखिल होती है, भगवा परचम लहराती है। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? अगर पुलिस उस वक्त कार्रवाई करने में नाकाम है तो अदालत का रुख करे और उस वक्त तैनात पुलिस अफसरान पर ही कार्रवाई का मुतालबा करते हुए मुकदमा दायर किया जाए। इसी तरह बिहार के नालंदा में मदरसे को जला दिया गया, 4,500 मजहबी किताबों को नजर आतिश किया गया। लिहाजा हालात बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है। रमजान में बदर जैसा अजीम मारका हुआ और रमजान में सिर्फ सहरी इफ्तार की फजीलत हासिल करना नहीं है बल्कि वक्त जरूरत बातिल ताकतों से जिस तरह से हो सके मुकाबला करने की जरूरत है। कानूनी रास्ता आज भी खुला है, आज भी संविधान बाकी है। जरूरत है आने वाले हालात को समझकर जल्द फैसले लेने होंगे, वरना यह खामोशी की कीमत आने वाली नस्ल जरूर चुकाएगी और आने वाली नस्ल हम सबको कोसती रहेगी, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। हाँ, कल यहाँ खरखोदा में एक मस्जिद पे कुछ लोग लड़कों ने एक झंडा फहरा दिया था धार्मिक, उसके एवज में यहाँ कल FIR रजिस्टर कर दी गई थी खरखोदा थाने में और आज यहाँ ड्यूटियाँ तैनात हैं। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं आने दी जाएगी।
नहीं यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकते, सीसीटीवी कैमरा यहाँ नहीं लगा सकते। नहीं अपना कुछ नहीं आप उधर से अभी हम लोग के घर के इधर से तीन तीन को डंपर